दोस्तों, आज का युद्ध जितना एडवांस, खर्चीला और विनाशकारी हो गया है, उसे देखते हुए कोई देश युद्ध की तरफ जाने से पहले 100 बार सोचता है, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। युद्ध हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। युद्ध में सिर्फ वित्तीय नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि जंग के वक्त एक देश को सैकड़ों बहादुर सैनिकों के साथ मासूम नागरिकों को भी खोना पड़ता है। युद्ध दुनिया भर में उथल पुथल मचा कर रख देता है, और यह बात भारत समझता है। तभी तो भारत ना तो किसी देश का नुकसान जाने की कोशिश करता है, और ना ही पहले किसी देश पर हमला करता है। अगर भारत अपने दुश्मन पर पहले हमला नहीं करता, तो इसका मतलब यह नहीं है कि भारत कमजोर देश है। भारत किसी पर हमला इसलिए नहीं करता क्योंकि भारत शांति पसंद देश है। हम अहिंसा परमो धर्मा के रास्ते पर चलने वाले देश के नागरिक हैं, इसलिए हम किसी देश पर हमला करने की नहीं सोचते। लेकिन भारत को अगर कोई देश आंख दिखाने की कोशिश करता है, तो भारत उसके आंखों का इलाज अच्छे से करना जानता है। भारत जानता है कि दुश्मन कभी भी कहीं से भी हमला कर सकता है, इसलिए दुश्मनों को उसकी औकात दिखाने के लिए भारत आज एक से बढ़कर एक हथियार बनाने में लगा हुआ है। ऐसे हथियार जो भारत की हिफाजत भी कर सकते हैं और दुश्मन को करारा जवाब भी दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट और हथियार के बारे में जानेंगे, जिसे भारत के वैज्ञानिक बनाने में लगे हुए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि आज बात होगी भारत के भविष्य के हथियारों की। पहला, SLUS यानी सबमरीन लॉन्च UAV। दोस्तों, DRDO इस खतरनाक हथियार पर कई सालों से काम कर रहा है। यह इतना खतरनाक है कि अभी तक कोई भी देश इस हथियार को बनाने में कामयाब नहीं हुआ है। यहाँ पर दोस्तों मैं Agni-6, काली MP या दुर्गा वेपन की बात नहीं कर रहा, बल्कि यह हथियार इनसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। हम जिस हथियार के बारे में आपको बता रहे हैं, हो सकता है आपने अभी से पहले उसका नाम भी नहीं सुना होगा। आपको बता दें कि चीन और अमेरिका भी इस हथियार को विकसित करने में लगे हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि चीन और भारत में कौन इस हथियार को पहले बनाने में सफलता पाता है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत अभी इस हथियार को बनाने में चीन से कोसों आगे है, और अगर भारत इसको बनाने में सफल हो जाता है, तो हिंद महासागर में भारत सामरिक तौर पर चीन से कहीं आगे निकल जाएगा। दरअसल दोस्तों, यह एक ऐसा ड्रोन होगा जिसे सबमरीन से लॉन्च किया जा सकेगा, और यह ड्रोन कोई ऐसा वैसा ड्रोन नहीं, बल्कि बहुत ही घातक और एडवांस ड्रोन होगा। अगर हम इस ड्रोन के लॉन्च की बात करें, तो इस ड्रोन को लॉन्च करने के लिए सबमरीन में एक ट्यूब बना होगा, और इसी ट्यूब के जरिए इसे लॉन्च किया जा सकेगा। यह ड्रोन लॉन्च होते ही समुद्र के ऊपर चक्कर लगाने लगेगी, और मौजूद दुश्मन की जानकारी पनडुब्बी तक वीडियो और फुटेज के माध्यम से भेजना शुरू कर देगी। आपको बता दें, फिलहाल अभी इस ड्रोन से दुश्मन की जानकारी इकट्ठा की जा सकेगी, मगर इसके अगले वेरिएंट में खूबी यह होगी कि वह ड्रोन दुश्मन पर स्ट्राइक भी कर सकने में सक्षम होगी। आपको बता दें दोस्तों कि युद्ध के समय हम दुश्मन को तभी हरा सकते हैं जब हमारे पास दुश्मन की सटीक जानकारी मौजूद हो, और नेवी का यह ड्रोन दुश्मन की जानकारी देने में पूरी तरह सक्षम है। उम्मीद है DRDO भविष्य के इस हथियार को बहुत जल्द बनाकर तैयार कर लेगा। दूसरा, रेलगन। दोस्तों, दुनिया तब हैरान हो गई जब भारत ने रेलगन का ऐलान किया। रेलगन कितना खतरनाक होता है, आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि अगर रेलगन को सिर्फ 1 घंटा चला दिया गया, तो इसकी नली तक गल जाती है। रेलगन कितना खतरनाक होता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह 1 सेकंड में 3 किलोमीटर की गति से दुश्मन पर हमला करता है। यानी कोई दुश्मन अगर 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यह हथियार उसे सिर्फ 3 सेकंड में तबाह कर सकता है। अगर हम रेलगन के तकनीक की बात करें, तो इसमें 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्ट्स रेल होती है, जिसके वजह से इसे रेलगन कहा जाता है। इसमें एक रेल पॉजिटिव तो वहीं दूसरी नेगेटिव होती है, जिसमें पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज होता है, तो वहीं नेगेटिव वाले में नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज होता है। इन दोनों नली यानी रेलों के बीच में एक एल्युमिनियम की प्लेट लगी होती है, जिसे आर्मेचर कहा जाता है। यही आर्मेचर इस रेलगन को पूरा करता है, क्योंकि इसी के ऊपर प्रोजेक्टाइल को डिप्लॉय किया जाता है, और जब रेलगन को फायर किया जाता है, तब इसमें लगी प्रोजेक्टाइल के साथ आर्मेचर भी फायर होता है। जितना अधिक रेलगन में करंट होता है, उतनी अधिक गति से रेलगन प्रोजेक्टाइल को फायर करता है। फायर करने की गति 10 मैक यानी ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत के एक और प्रोजेक्ट विष्णु की। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। प्रोजेक्ट विष्णु के अंतर्गत बनने वाले इन दोनों मिसाइलों को भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अहम इसलिए क्योंकि यह दोनों मिसाइल कोई मामूली मिसाइल नहीं, बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। हाइपरसोनिक मिसाइल कितना खतरनाक होता है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। फिर भी हम आपको बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार इतनी अधिक होती है कि अभी तक दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इसको पकड़ने में सक्षम नहीं है। अब आप अंदाजा लगा लो कि भारत प्रोजेक्ट विष्णु के अंतर्गत जिन 2 मिसाइलों को बना रहा है, वह मिसाइल कितना खतरनाक होगा। आप सोच कर देखिए दोस्तों, जिस मिसाइल को अभी तक अमेरिका और रूस तक पकड़ने में सक्षम नहीं है, तो चीन और पाकिस्तान की क्या औकात।
खबरों की माने तो भारत जिन हाइपरसोनिक मिसाइलों को बना रहा है वह हाइपरसोनिक तो होगी ही, साथ ही वह हाइपरसोनिक गति से दुगनी रफ्तार में हमला करने में काबिलियत रखेगी। 5 मैक की गति से हमला करने वाली मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है, मगर भारत के इन दोनों मिसाइलों के बारे में कहा यह जा रहा है कि यह दोनों मिसाइल 10 मैक की गति से दुश्मन पर हमला कर सकेगी। इसकी इसी तेज रफ्तार की वजह से कहा यह जा रहा है कि इन मिसाइलों को अमेरिका और रूस तक नहीं रोक सकते। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में बनने वाली पहली मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने में सक्षम होगी, तो वहीं दूसरी मिसाइल को रफाइल या सुखोई में तैनात किया जाएगा जो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल होगी। चौथा, INS विक्रांत। भारत के पास अब तक सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य, लेकिन साल 2022 में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। आपको बता दें किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत उसका फ्लाइट डेक यानी रनवे होता है। INS विक्रांत के फ्लाइट डेक की बात करें तो इसका फ्लाइट डेक करीब 262 मीटर लंबा है जो 2 फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा हो जाता है। वहीं इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई करीब 62 मीटर और ऊंचाई 50 मीटर की है। वहीं इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर करीब 30 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकेंगे। इन 30 एयरक्राफ्ट में 20 लड़ाकू विमान और 10 हेलीकॉप्टर होगा। इन 20 फाइटर जेट में रूस से लिए गए MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जबकि 8 भारत का स्वदेशी LCA नेवी हेलीकॉप्टर होगा। विक्रांत पर 6 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर तैनात होंगे जो दुश्मन की पनडुब्बियों पर खास नजर रखेंगे। इसके अलावा विक्रांत पर 2 टोही हेलीकॉप्टर और 2 सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में इस्तेमाल किया जाने वाला हेलीकॉप्टर भी तैनात होगा। स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर विक्रांत का आदर्श वाक्य है जयम सम युधि अस्पृधा। ऋग्वेद से लिए गए इस युक्ति का अर्थ है अगर मुझसे कोई लड़ने आया है तो मैं उसको परास्त करके रहूंगा। आपको बता दें कि इस नए विक्रांत को भारतीय नौसेना के रिटायर हो चुके एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के नाम पर नामकरण किया गया है। विक्रांत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय पाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। भारत को कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत इसलिए है क्योंकि भारत की करीब 7000 किलोमीटर की 2 तरफा लंबी समुद्री सीमाएं हैं। एक है पूर्व में बंगाल की खाड़ी से सटी तो दूसरी पश्चिम में अरब सागर से सटी है। ऐसे में भारत को 2 अलग अलग मोर्चों पर 2 अलग अलग विमान वाहक युद्ध पोतों की जरूरत थी। इसके अलावा हिंद महासागर में भारत का करीब 23 लाख वर्ग किलोमीटर का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसकी सुरक्षा करने के लिए भारत को 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। 5वां, LRSAM। दोस्तों, भारत का यह हथियार खासकर चीन के युद्ध पोतों को समुद्र में डुबोने के लिए बनाया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीनी नेवी साल 2022 में संख्या बल के हिसाब से दुनिया की नंबर 1 नौसेना बन चुकी है। आज के डेट में चीनी नौसेना के पास सबसे ज्यादा शिप मौजूद है। भले ही इन शिप की क्वालिटी अच्छी ना हो मगर यह शिप भारत को परेशान करने के लिए काफी है। ऐसे में भारत ने चीन के इस रणनीति का काट ढूंढ लिया है और DRDO एक खास मिसाइल पर काम कर रहा है जिसे LRASM के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि यह लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल होने वाली है और यह मिसाइल कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि DRDO इस मिसाइल में SFDR तकनीक का इस्तेमाल करने वाली है जिसके कारण यह मिसाइल दुश्मन पर लंबी दूरी तय करने के बावजूद सटीकता से हमला करने में सक्षम होगी। इस मिसाइल को एडवांस और इंटेलिजेंट मिसाइल भी कहा जा रहा है क्योंकि इस मिसाइल की सबसे खास बात यह होगी कि यह दुश्मन के शिप के सबसे कमजोर हिस्सों को पहचान कर वहीं पर हमला करेगी। तो दोस्तों, यह है भारत के भविष्य के कुछ ऐसे हथियार जिनके बारे में जानकर आपको गर्व जरूर हुआ होगा। अगर गर्व हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इन हथियारों को बनाने वाले वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।